16, 16 देखिए कौन सा है इसमें, 16 है डिटरमाइन द एपी। आपको क्या करना है, एपी को फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। पुट थर्ड टर्म इज 16, जिसका जो है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के लिए क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू 16। तो मैं आपको बताया हूँ ना कि A3 को कैसे लिख सकते हो, तीन में से एक माइनस कर दो, A2 इक्वल टू A प्लस 2D की वैल्यू क्या दी है 16, और A7 दिया है, A7 जो है डिटरमाइन द थर्ड टर्म, हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। देखो हमें थर्ड टर्म निकालना है और दिया हुआ है कि सातवां टर्म पांचवें टर्म से 12 अधिक है, तो कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, A7 आपका सातवां टर्म आपका पांचवें टर्म से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो A7 को क्या लिखोगे, A+6D, और A5 को क्या लिखोगे, पांच में से एक घटा दो, तो A+4D लिखोगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, A+6D माइनस ए प्लस माइनस 4D, ये किसके बराबर हो गया 12 के बराबर, ये प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, 6 में से 2 जाएगा तो क्या 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2D इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 12 के, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, मतलब कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया 6 आ गया। तो अब देखो आप इसमें कहीं रख सकते हो, फिर इसमें देखो AP को फाइंड करना है, तो इसमें जो ये दिया हुआ है A+2D इक्वल टू क्या दिया है 16 है, तो A2 और कॉमन डिफरेंस क्या निकाले हैं 6 इक्वल टू 16, तो A प्लस ये आपका 6 दुनी 12 इक्वल टू 16 हो गया, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 में से 12 माइनस हो जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा, मतलब A क्या आ गया, A की वैल्यू आपकी 4 आ गई और कॉमन डिफरेंस क्या आ गई 6 आ गई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें AP को निकालना है, तो सीक्वेंस निकालो, पहला टर्म क्या हो जाएगा 4, 4 में देखो ये पहले पिछले वाले एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, जब 4 में 6 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 6 4 10 10 में फिर कॉमन डिफरेंस 6 है ना तो 16 हो जाएगा, फिर 16 में 6 जोड़ दोगे तो आपका 22 हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 आपकी AP चलती जाएगी, यही जो है आपका इसमें आंसर होगा, आपकी AP क्या होगी 4 10 16 22 ऐसे डॉट 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 आपकी AP चलती जाएगी। कैसे मैं निकाला, पहले आपका थर्ड टर्म दिया तो A+2D ऐसे रख दिया ताकि हम इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से सातवां टर्म पांचवें से 12 अधिक थे, सातवें टर्म को कैसे लिख सकते हैं A+60 और इसको माइनस कर दो A+4D से 12, इस पर वैल्यू पुट कर दोगे तो D की वैल्यू आ गई, फिर जो हम इसमें जो स्टेटमेंट दिया इसमें वैल्यू पुट करोगे तो A की आ जाएगी, फिर आप AP की सीरीज, जब A और D दिया रहेगा तो AP की सीरीज आप क्या करोगे इजीली निकाल लोगे। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस आपको दिया हुआ है सीरीज की 3 3 8 13 ... 253, इसमें पूछ रहा है कि लास्ट से आपको 20वां टर्म बताना है, शुरुआत अगर स्टार्टिंग से पूछेगा 20वां टर्म तब तो इजी हो जाएगा। देखो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, देखो ये सीरीज चलती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, देखो ये इसमें पहला टर्म क्या है 3 है और D कॉमन डिफरेंस क्या है, दूसरे में से पहले को माइनस कर दो 8 - 3 कॉमन डिफरेंस आपका 5 है, तो ये उल्टी भी ऐसे ही चलेगी। इसको क्या कर दोगे, इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी आपको क्या कर सकते हो, इसको अरेंज कर सकते हो, तो इसको लिखोगे आप वी कैन राइट गिवन AP, जो ये AP दिया हुआ है इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स में पूछ रहा है ना, रिवर्स कर दो, अगर मान लो ये पहला इसमें क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आपका माइनस में चला जाएगा, 5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा, फिर 248 में 5 माइनस करोगे तो क्या होगा 243 होगा, फिर ऐसा डॉट और डॉट लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट टर्म आपका जो यहाँ पे सीरीज में जो दी हुई है लास्ट टर्म इसमें 3 हो जाएगी, फिर ये 8 हो जाएगी,
फिर ऐसे ही ये 13 हो जाएगी और ये ऐसे चलता रहे चलता रहेगा। जो ये सीरीज़ दी हुई है, जो ये एपी की जो सेक्वेंस दी हुई है, मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया हूँ 253। यहाँ पे आप 55 माइनस करते जाओगे, जब सीधी थी तो प्लस होती जा रही थी, 55 माइनस नॉर्मल सी चीज़ है, अगर 3 से 8 है तो 5 क्या हो रहा है इसमें, 8 से 3 में 5 माइनस हो रहा है, 13 से 8 में 5 माइनस हो रहा है, तो 253 लास्ट दिया है तो 5 का इसमें क्या कर दो, डिफरेंस कर दो। अब यहाँ पे आपको देखो क्या देखने को लिए मिल रहा है, यहाँ पे आप सिंपली देख रहे हैं कि यहाँ पे ए पहला टर्म क्या है आपका, पहला टर्म हो गया 253 हो गया, डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म में से पहला टर्म को माइनस करोगे, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे, जो सेकेंड टर्म ए टू और फर्स्ट टर्म में से माइनस करोगे, ए टू क्या है 248, 248 में से 253 को इसमें क्या कर दोगे, माइनस करोगे, जब इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे 20 टर्म, ए 20 हमको निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही क्या होती है, यही फार्मूला होती है कोई भी टर्म निकालने के लिए। देखो ए 20 निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो ए 20 20th टर्म पूछ रहा है इसमें, तो ए प्लस 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 90 इंटू डी, तो ए पहला सेक्वेंस पहला नंबर क्या है इसका 253 प्लस 19 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा 253 माइनस 19 फाइव सा 95, इसको माइनस करो 13 में से 5 गया तो क्या हो गया 8 हो गया, 4 में से 14 में से 9 गया तो क्या हो गया 5 हो गया, और 1 ये आपका क्या आ गया 158 जो है नंबर आएगा, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर इसको आप लास्ट से 20th टर्म क्या होगा, तो लास्ट से आपका 20 टर्म क्या हो जाएगा 158 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, जो आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 क्या है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, 18 में क्या दिया हुआ है, 18 है कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ द एपी, ये क्या है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी। जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी है, देखो इसमें ये मैं आपको पहले एक बेसिक चीज़ बताया हूँ उसको पहले ध्यान से देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे फोर्थ और टर्म पूछ रहा है ना, देखो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जैसे अगर ए फोर्थ दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस 3D लिखेंगे, अगर एट्थ टर्म है तो ए प्लस 8 में से 1 माइनस कर दो 7D हो जाएगा, ऐसे ही सिक्स टर्म है तो ए सिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 5D हो जाएगी, और ए अगर टेंथ टर्म पूछ रहा है तो 10 में से 1 माइनस कर दो ए प्लस 9D हो जाएगी। मतलब जो भी टर्म पूछता है ए प्लस और एक माइनस करके लिखते हैं, और ये कैसे करते हैं इसका मैं आपको फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ, जो कि टर्म हम यूज करते हैं इसको आप दिमाग में इसको बैठा लो, जैसे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला में। अगर मान लो कि मैं छठा वाला निकाल रहा हूँ ए सिक्स निकाल रहा हूँ, तो ए सिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ए सिक्स क्या हो जाएगा ए सिक्स इज इक्वल टू ए सिक्स आपका हो जाएगा ए प्लस 5D, तो आ गया। कोई भी आपसे टर्म पूछेगा, अगर 10 है तो 1 माइनस करके कर दो, 6 है तो 1 माइनस करके 5 कर दो, 8 है तो 1 माइनस करके 7 कर दो, 4 है तो 1 माइनस करके कर दो, तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 आएगा, तो ऐसे ही कर सकते हैं। अब देखो जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, इसमें कंडीशन है कि सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ ए पी इज क्या है 24 है। देखो मतलब आपका फोर्थ टर्म, देखो केस फर्स्ट दिया है इसमें क्या, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम, ए फोर और ए एट,
ए फोर मतलब फोर्थ टर्म और ए एट मतलब एट्थ टर्म का सम कितना दिया है 24। ए फोर से क्या आ रहा है, ए फोर का मतलब ए प्लस 3d प्लस ए एट का मतलब क्या हो जाएगा ए प्लस 7d। इसका सम कितना दिया है 24 दिया है। ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a और 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा 10d इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। 2 कॉमन करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ए प्लस 5d, ये किसके बराबर हो जाएगा 24। तो 2 से ये कट गया तो 12 हो गया, मतलब आपका ए प्लस 5d किसके बराबर आ गया आपके 12। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो आप यहाँ पे फिर केस सेकंड देखो, सेकंड केस में क्या दिया हुआ है, केस सेकंड में आपका आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो क्या दिया हुआ है, दिया है कि सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म ऑफ टेंथ टर्म क्या दिया है? देखो ए सिक्स टर्म और टेंथ टर्म का सम कितना दिया है 44 दिया है। ए सिक्स मतलब क्या हो जाएगा ए प्लस 5d और ए टेन, देखो यहीं से मैं इसलिए डायरेक्ट पहले लिख दिया हूँ ए सिक्स ए प्लस 5d और ए टेन को क्या लिखोगे ए प्लस 9d। ऐसे ही यहाँ भी ए फोर मैं कहाँ से लिखा हूँ, ए फोर ये जो है इसकी वैल्यू यहाँ से है और ये आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ए प्लस 9d की वैल्यू 44। ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a और 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा 14d की वैल्यू आपकी आ गई 44। 2 कॉमन हो जाएगा तो ए प्लस क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, 7d इक्वल टू 44। 2 से काट दो 22, तो ए प्लस 7d की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 हो जाएगी। ये आपका कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा। अब देखो हमें ए और डी की पहले वैल्यू निकालो, ए प्लस 5d की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है आपकी 12 दी हुई है और ए प्लस 7d की वैल्यू क्या दी हुई है 22 दी हुई है। अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो नीचे की साइन क्या आ जाएगी चेंज हो जाएगी, ये प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस ए से ए कैंसल, ये माइनस 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10, मतलब d की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। d की वैल्यू अगर 5 आ गई आपकी तो a की वैल्यू निकालो, कोई भी सीरीज लो, आप मान लो कि यही सीरीज ले रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन ले लो ए प्लस 5d की वैल्यू कितनी है 12 है, इसका मतलब a की वैल्यू मुझे निकालनी है और 5d यहाँ पे क्या निकालें हम 5 निकालें इक्वल टू 12 है, तो a प्लस 5 जा 25 इक्वल टू 12 है, तो a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे a की वैल्यू आपकी 12 में से जब 25 माइनस करोगे तो आपकी माइनस में आ जाएगी क्या, माइनस में आपकी आ जाएगी 13 आ जाएगी। मतलब जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू हम क्या फाइंड कर लिए, ए की वैल्यू हम फाइंड कर लिए है माइनस 13 और डी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है, कॉमन डिफरेंस आपका इसमें 5 आ गया है। तो आपका क्या पूछ रहा है इसमें, फर्स्ट थ्री टर्म पहला टर्म क्या आ जाएगा माइनस 13 और माइनस 13 में दूसरा टर्म कैसे होगा माइनस 13 और दूसरे टर्म को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 13 में अगर 5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, तो दूसरा टर्म इसमें क्या हो जाएगा माइनस 8। फिर तीसरा टर्म पूछ रहा है तीसरा टर्म कैसे करेंगे, फिर जो दूसरा टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस 5 ऐड कर दो तो आपकी क्या हो जाएगी माइनस 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगी। जो तीन टर्म पूछ रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19। देखिए सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। एक सुब्बा राव है अपने वो 5000 पे 1995 में अपनी स्टार्ट करते हैं वर्क काम करना एंड उनको हर साल 200 का इंक्रीजमेंट मिलता है, हर साल उनके सैलरी में 200 इंक्रीज हो जा रहा है, तो वो कौन से ईयर में 7000 वो पहुंच जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ए दी हुई है आपकी, ए आपका क्या दिया हुआ है पहला सैलरी क्या दिया हुआ है उनकी 5000 दी हुई है। फिर डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, हर साल आपका इंक्रीज कितना हो रहा है 200 हो रहा है, और आपका देखो कब पूछ रहा है आपका ए एन लास्ट आपका पूछ रहा है कि 7000 कब हो जाएगा। हम फार्मूला जानते हैं ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी ए एन मतलब 7000 कब पहुंचेगा, तो 7000 हो गया, फिर ए क्या है 5000 हो गया, फिर प्लस एन माइनस वन, एन पूछ रहा है कि कब कितने टाइम में होगा, डी क्या है कॉमन डिफरेंस आपका इसका 200 है, क्योंकि 200 का क्या हो रहा है इंक्रीजमेंट उनके सैलरी में हो रही है। अब देखो इसको ऐसे सॉल्व कर दो, 7000 इधर 5000 माइनस कर दोगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं ऐसे रन दो अभी इजी हो जाएगा, एन माइनस वन इजल टू 200, इसको LHS में ला दो तो एन माइनस वन इंटू 200 हो जाएगा, और 7000 में से 5000 माइनस कर दोगे तो 2000 आपका हो जाएगा, एन माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000 से, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल और ये क्या हो गया 10 हो गया, तो एन माइनस वन इजल टू क्या हो गई 10 हो गई, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 10+1, मतलब आप उनका 11 साल में नौकरी के उनके 11 साल में 5000 से कितना 5000 से उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 उनकी सैलरी हो जाएगी, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज इनका 11 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 है इसमें, रामकली सेव्ड रुपीज 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75 इफ़ इन द nth वीक द वीकली सेविंग बिकम, सेम पिछला क्वेश्चन है, अगर वो आप सेविंग करना पैसा बचाना चालू कर रही है रामकली, पहले वीक में वो 5 रुपये बचा रही है, हाँ तो आपका ए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर बोल रही कि वो अपने जो इंक्रीज कर रही है मतलब जो अपना सेविंग जो है वो बढ़ा दे रही है 1.75 से, तो 5 में 1.75 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 6.75, ऐसे डॉट 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 उसका कितना जा रहा है, वो पूछ रहा है कि कब तक उसका कितने वीक में उसका 20.75 हो जाएगा, तो ये हो गया। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, जो सेकेंड टर्म से पहला माइनस कर दो, तो ये आपका कितना इंक्रीज हो रहा है आपका 1.75, और कब पूछ रहा है कि कितना सैलरी उसकी पूछ रही है 20.75 पूछ रहा है कि इतने कब तक हो जाएगी, तो फार्मूला हम जानते हैं ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो देखो ए एन लास्ट आपका 20.75 हो गया इजिकल टू पहला टर्म इसमें क्या है 5 प्लस एन माइनस वन और डी कॉमन डिफरेंस क्या है 1.75। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो माइनस कर दो तो 20-75 माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा एन माइनस वन और 1.75 हो जाएगा, 20 में से 5 माइनस हो जाएगा 20 में से 5 माइनस तो 15.75 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा एन माइनस वन और ये 1.75, डेसिमल हटाने पे क्या हो जाएगा 15.75 या 500 हो जाएगा और इधर ये क्या हो जाएगा एन माइनस वन और ये 1.75 अपान क्या हो जाएगा 100, नीचे का 20 से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको आप LHS में ला दो तो n माइनस वन और 175 इजिकल टू 1.575 के बराबर है, तो n माइनस वन इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा 1.575 अपान 175, 5 से 5 3 जा कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा फिर आपका 5 1 जा 5 5 जा हो जाएगा, फिर 5 7 जा 5 6 जा 5 3 जा, फिर 7 आपका कितने टाइम जाएगा 7 9 जा हो जाएगा, मतलब n माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, तो n की वैल्यू क्या हो गई 9+1 इजकल टू 10, मतलब 10th 10वीं वीक में उसका सेविंग कितना हो जाएगा 20.75 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 10 n की वैल्यू क्या हो जाएगी n इजकल टू 10, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो ये था इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 5.3 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, ओके थैंक यू।